हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज बात करने जा रहे हैं कि 2024 में अगर आप एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट का कट ऑफ मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से अगर एमबीबीएस लेना चाहते हैं तो कितना मिनिमम स्कोर चाहिए, कितना रैंक तक आ जाएगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहतर नीट काउंसलिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि 2023 का राउंड वन कट ऑफ क्या था। 2023 में जो राउंड वन का कट ऑफ था एमसीसी का, वो आप देख सकते हैं, ओपन का 618 था, ओबीसी 616 था, ईडब्ल्यूएस 613 था, एससी 509 था, एसटी 469 था, जबकि पीडब्ल्यूडी का आप सामने देख ही सकते हैं जस्ट क्वालिफाई पे मिल जाएगा। राउंड टू में जो कट ऑफ था ओपन का 612 था, ओबीसी 611 था, ईडब्ल्यूएस 608 था, एससी 492 था और एसटी का 465 था। ये राउंड टू का कट ऑफ था। राउंड थ्री की बात करेंगे तो वहां पे ओपन का जो कट ऑफ था 611 था, ओबीसी का भी 611 था, ईडब्ल्यूएस 607 था, एससी 486 था, एसटी 453 था। स्ट्रे की बात करेंगे तो ओपन का 610 था, ओबीसी का 610 था, ईडब्ल्यूएस का 607 था, एससी का 480 था, एसटी का 445 था और ओपन पीडब्ल्यूडी का 131 था। स्पेशल स्ट्रे की बात करेंगे तो वहां पे भी स्कोर के अकॉर्डिंग सेम था, ओपन का 610 था, ओबीसी का 610 था, ईडब्ल्यूएस का 607 था, एससी का 480 था, एसटी का 445 था। अब बात कर लेते हैं कि 2024 में मैक्स टू मैक कहां तक मिलेगा, तो स्कोर की बात नहीं, हम लोग रैंक की बात करते हैं। रैंक जरूर बढ़ेगी क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं। ओपन में आप मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं कि इस बार जो रैंक जाएगी वो आपकी 27,000 तक जाएगी। ओबीसी में भी आप रैंक को 27,000 तक मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में आप 28,000 तक मान सकते हैं, एससी में मिनिमम 1,45,000 तक आप मान सकते हैं, एसटी में आप 1,80,000 तक मान सकते हैं। ये अधिकतम रैंक है। बात स्कोर की करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि स्कोर बढ़ भी जाए, कंपटीशन बढ़ भी जाए, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पर रैंक के अकॉर्डिंग आप समझिए, जो मैंने रैंक बताई है वहां तक 2024 में आपको एमबीबीएस में जरूर सरकारी सीट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा से। तो फ्रेंड, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।